आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बोम बॉम बहुत ही अच्छे से काले लिनक्स का पूरा शेल। और वो कहाँ पे खुला है यहाँ पे ध्यान से देख लो, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत लिनक्स पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा कि ये लोकेशन कौन सी है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ इसी टाइप का एक लिनक्स का शेल क्या डेस्कटॉप पे खोल सकता हूँ? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग WSL को इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 के अंदर। ओके, अभी क्या है कि मेरे पास विंडोज़ 10 है तो मैं इसको विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, बट सेम यही प्रोसेस विंडोज़ 11 में भी काम करने वाला है। तो आप चाहो तो इस प्रोसेस को विंडोज़ 10 के ऊपर यूज़ करो या फिर विंडोज़ 11 के ऊपर। और एक चीज़ और याद रखना, मैं इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, या फिर आपको वो प्लेलिस्ट आई बटन के ऊपर भी दिख जाएगी। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो WSL है ना, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और अभी कुछ लोग क्यूरियस हो रहे होंगे कि भाई ये WSL आखिर है क्या, तो मैं उनको शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, बहुत लॉन्ग नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में समझ लीजिए। सबसे पहले WSL का फुल फॉर्म हम समझते हैं। WSL का फुल फॉर्म होता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। अभी ये क्या चीज़ है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको भाई लिनक्स का जो शेल होता है, लिनक्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप वगैरह होते हैं, वो सब शेल से ही काम करते हैं ना, वो जो टर्मिनल होता है उसी से काम करते हैं वो सारे, तो वो चीज़ यूज़ करनी होती है। बट अब भाई वो लोग इसको खाली शेल को यूज़ करने के लिए भाई पूरा का पूरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में नहीं डालना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि मैं खाली लिनक्स का शेल यूज़ कर पाऊँ और भाई मुझे पूरा लिनक्स नहीं चाहिए, सिर्फ शेल चाहिए बस। तो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स यही काम करता है। वो करता है विंडोज़ बोलेगा भाई चलाओ, तुम मज़े से विंडोज़ चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे CMD चलाते हो ना विंडोज़ में, वैसे ही मैं तुम्हें एक लिनक्स का शेल दे दूंगा, आराम से भैया उसके अंदर मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करो, उसके अंदर कोई भी कमांड लाइन का टूल इंस्टॉल करो और मज़े से चलाओ, है कि नहीं कमाल की बात। तो आज हम लोग यही चीज़ करना सीखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका एक लो एंड PC है, आपके PC में बहुत रैम नहीं है, आप लोग मान लेते काले लिनक्स के टूल्स यूज़ करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि भैया पूरा का पूरा काले लिनक्स में इंस्टॉल कर लूँ, है कि नहीं, मुझे तो भाई वो सिर्फ टर्मिनल चाहिए, तो आप लोग इसकी मदद से काले लिनक्स, उबंटू, डेबियन, किसी का टर्मिनल हो सब उठा के ला सकते हो अपने विंडोज़ पे और मज़े से यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कमाल के ट्यूटोरियल को और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग WSL को अपने विंडोज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कमाल के ट्यूटोरियल को, और WSL के साथ साथ मैं WSL 2 भी आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अपडेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई WSL में इंस्टॉल करूं या WSL 2 करूं, कौन सा करूं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, तो कंफ्यूज मत हो, मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैं यहां पे इमेज दिखाने जा रहा हूं, उस इमेज के अंदर WSL 1 और 2 का कंपैरिजन है, ठीक है, तो तुम खुद ही देख सकते हो कि कौन सा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या करना, जैसे इमेज अभी आएगी आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और पहले इमेज को ध्यान से देखना, और जो जो आपको भाई वहाँ पे जानकारी दी गई है ना उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से इमेज देख लो। तो आई होप सो कि आप लोग इमेज को देख चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि भैया WSL 1 ज़्यादा सही है या फिर 2, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को बंद कर रहा हूँ और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे WSL को इंस्टॉल करने। ओके चलो, अभी WSL को इंस्टॉल करने का जो सबसे पहला और सबसे मेन स्टेप होता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो है विंडोज़ को अपडेट करना। अब उन्हें लगता है कि ये WSL के लिए विंडोज़ अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, भैया बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग ये नहीं करते, इस वजह से उन्हें WSL इंस्टॉल करने में एरर आता है। तुम्हें पता है विंडोज़ का जो अच्छा वाला वर्जन है, जो कि मेरे कंप्यूटर में पड़ा है, वो WSL को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखो वर्जन 22H2। अब तुम्हारे विंडोज़ का वर्जन तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये विंडोज़ 10 वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, विंडोज़ 11 वाले लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आज की डेट, आज की जो भी डेट है ना, आज प्लीज़ अपने विंडोज़ को अपडेट कर डालो, ठीक है, आज अपडेट कर डालो, WSL चल जाएगा, मैं ठप्पा लगा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो चिंता ना करना, अभी मैं विंडोज़ 10 वाले लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि वर्जन कैसे चेक करना है। अगर तुम्हारे विंडोज़ के अंदर ये वाला वर्जन है, ध्यान से देखो ये वाला वर्जन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार फिर भी अपडेट कर लेना, ठीक है। चेक कैसे करते हैं वर्जन, आपको क्या करना है, सिंपल से रन करना है, विंडोज़ प्लस R रन जैसे दबाओगे यहाँ पे इस टाइप का कुछ सेक्शन आ जाएगा, और आपको सिंपल से इसके ऊपर टाइप करना है विनवर, ठीक है, विनवर विंडोज़ का वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से आपको टाइप करना है, स्पेलिंग देख लीजिए, और हम लोग ओके करेंगे।
और ओके करते यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ का वर्जन। तो सबसे पहले मेक श्योर करिएगा कि विंडोज़ अपडेट होनी होनी चाहिए, बाकी कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सबसे पहले विंडोज़ अपडेट करो और कुछ मत करो, ठीक है। चलो जाके विंडोज़ अपडेट करके आओ, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आई होप सो कि तुम लोगों ने विंडोज़ अपडेट कर ली होगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी मैं इसको ओके कर ले रहा हूँ और अभी हमारा जो स्टेप नंबर 2 होगा, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो एक टेक्स्ट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल के सारे कमांड्स यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। बट अगर तुम लोग चाहो तो इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, आराम से डाउनलोड कर लेना। और याद रखना जो मैं डाउनलोड लिंक देता हूँ वो भाई डेव अपलोड की है, तो वहाँ पे एड ब्लॉकर अगर लगा के जाओगे, एड ब्लॉकर बंद कर लेना कंप्यूटर में, तभी वो डाउनलोडिंग काम करेगा, वरना करेगा ही नहीं। तो मेक श्योर एड ब्लॉकर बंद करके जाना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 ये पूरा कर लिया है, हम लोगों ने अपने विंडोज़ को अपडेट कर लिया है। अभी स्टेप नंबर 2 पे हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भैया WSL और वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को इनेबल करो। कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल से आपको जाना है, विंडोज़ 10 हो विंडोज़ 11 हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सर्च में लिखना है टर्न। जैसे आप लोग टर्न लिखोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये सेक्शन आएगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। आपको सिंपल से इसको ओपन करना है, विंडोज़ 11 वाले लोग भी कर ले, 10 वाले भी, ठीक है। सिंपल से हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। अब इसके अंदर विंडोज़ के बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 फीचर्स को इनेबल करना है, फिर अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट, ठीक है। कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देखो, एक फीचर है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ये इनेबल करना है। सबसे पहले यहाँ पे इनेबल कर लो इसको, बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक और है यहाँ पे सेक्शन वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, ये दोनों ही करने होते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग करेंगे इनेबल, और यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने इसको भी इनेबल कर लिया। सिंपल से मैं ओके करूँगा, और ओके करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो भी रिक्वायरमेंट फाइल होती है वो सब सेटअप वगैरह करेगा, ठीक है। और बोलेगा कि भैया आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लो, और रिस्टार्ट कर लेना, ये कह रहा है तो कर लेना, रिस्टार्ट मैंडेटरी है, मैं खुद करूँगा, इसीलिए तुम लोगों से भी बोल रहा हूँ, इतना हो जाए रिस्टार्ट कर लेना, फिर से वीडियो को रिज्यूम करना, ठीक है। मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ और फिर से मैं वापस आता हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैं वापस से आ चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो कंप्यूटर होगा वो बहुत ही प्यारे तरीके से रिस्टार्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने न्यू फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, और न्यू फोल्डर के अंदर जाने के बाद अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अगला कमांड क्या है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है WSL.exe अपडेट, ठीक है। हम लोगों को WSL को अपडेट करना है। अभी आप सोच रहे होगे कि भैया WSL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने वहाँ से WSL को टिक किया और रिस्टार्ट किया कंप्यूटर को, WSL इंस्टॉल हो गया है। तुम लोग सोचोगे कि भाई सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी जो कमांड्स मैं अब डालूंगा ना, वो चाहे तो तुम CMD पे डाल लेना, चाहे विंडोज़ के अंदर एक पावर शेल होता है, ठीक है, उस पर भी वो कमांड्स यूज़ कर सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि CMD पे ही करो या पावर शेल पे ही करो, बस जो भी ओपन करना उसे एडमिन के ज़रिए ओपन करना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे CMD ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, और राइट क्लिक करके एडमिन से ओपन करूँगा, रन एज एडमिन, ठीक है। चलो तो बहुत ही अच्छे से हमारा CMD एडमिन के ज़रिए ओपन हो गया। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एडमिन वाला CMD चाहिए, नॉर्मल सस्ता वाला नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, WSL लिखना है, WSL। जैसे आप लोगों ने WSL लिखा, सिंपल से एक बार एंटर कर देना, और एंटर करते ही अगर तुम्हारे में ये सेक्शन आ जाए, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो ध्यान से, ये ध्यान से पढ़ो, अगर इसी टाइप से लिखा आ रहा है तो भाई अपने लिए क्लैपिंग कर लो प्लीज़, क्योंकि तुमने WSL को इंस्टॉल कर लिया। अब तुम सोचोगे कि भाई क्या बात है यार, चुटकियों में हो गया, बिल्कुल चुटकियों में हो गया, बट हम लोगों को WSL2 भी इंस्टॉल करना है ना। और इन फ्यूचर आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि अगर तुम लोग WSL2 यूज़ कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन है कि नहीं भैया मुझे WSL2 नहीं यूज़ करना, मुझे तो 1 यूज़ करना है, तो तुम लोग 1 के ऊपर कैसे बैक हो सकते हो, या फिर 1 यूज़ कर रहे हो तो 2 पे कैसे जा सकते हो, इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा। फिलहाल के लिए WSL2 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे करेंगे, सिंपल से स्टेप नंबर 3 जो है ना, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके सिंपल से मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ओके, यहाँ से कॉपी हुआ नहीं था, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, और मैं एंटर करूंगा। अब जैसे मैंने एंटर किया ना, यहाँ पे देख सकते कुछ इस टाइप का आया, मैं इसको यस करूंगा, और यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। अब ये जो इंस्टॉलेशन है ना, ये WSL2 के लिए है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये WSL2 अपना बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करके आते हैं वापस। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हमारा जो WSL2 था ना, वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या था, लिनक्स का टर्मिनल कहाँ है, मुझे लिनक्स का टर्मिनल, लिनक्स का
शेल चाहिए भैया, मुझे उसके अंदर लिनक्स के टूल चलाने, लिनक्स के कमांड चलाने, वो कैसे करूँगा? मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे हम लोगों को क्या है सेक्शन, यहाँ पे जो भी लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो WSL पे सपोर्ट करते हैं उनको कैसे हम लोग देख सकते हैं। सिंपल से इसको करेंगे कॉपी, ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और सिंपल से यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट, और याद रखना रन एज एडमिन ही करना है, ठीक है। और हम लोगों ने एंटर कर दिया, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारे पास उबंटू है, डेबियन है, काले लिनक्स है, उबंटू के कई सारे वर्जन है, और भी बहुत सारा तामझाम है, ठीक है। तो मोस्ट जो लोगों का फेवरेट होता है, सबका फेवरेट, वो होता है काले लिनक्स। और एक बात मैं कहूँगा, बुरा ना मानना, भले ही लोगों को उसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करना ना आता हो, बट वो फेवरेट है। किसी से उन्होंने सुना हैकिंग करनी है भाई तेरे को तो काले लिनक्स चाहिए, और उन्होंने धकाधक इंस्टॉल कर लिया, बट ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता, ठीक है। चलो मजाक हट के, अभी काले लिनक्स अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है और मैं इस कमांड को समझा दे रहा हूँ ताकि ये कमांड तुम लोग काले लिनक्स के अलावा उबंटू कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर पाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये WSL इंस्टॉल डी, यहाँ तक तुम लोगों को क्या करना है, कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ तक कमांड को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और अभी क्या करना है, स्पेस देना है, और उसके बाद इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी, लिटरली कोई भी, काले लिनक्स, डेबियन, उबंटू, कोई भी, यहाँ से कॉपी कर लेना उनका नाम, ठीक है। जैसे मैं काले लिनक्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी करके इंटर किया, मतलब कॉपी इंटर से ही होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बस इतना करना है। इतना कमांड खाली कॉपी करना, बाकी जो भी तुमको पसंद आ रहा हो उसका नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स ऑल। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, जैसे इंटर करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इंस्टॉलेशन काले लिनक्स की स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो मुबारक हो भाई, यहाँ पे आपका जो काले लिनक्स था ना वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया आप अपना काले लिनक्स का जो यूज़र नेम है वो क्या रखना चाहते हो, तो मैं सिंपल से लिखूँगा काले, एंटर किया मैंने। अभी इसके बाद ये पूछेगा कि भाई आपको पासवर्ड क्या रखना है, पासवर्ड में भी मैं लिखूँगा काली और रीटाइप कर दूँगा काली, ठीक है। और रीटाइप करके जैसे मैंने एंटर किया, बोम बाम, आपका जो काले लिनक्स है ना वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से खुल गया है। अभी आप सोच रहे होगे कि भाई खुल गया है, ये काले लिनक्स का टर्मिनल ही है ना, कहीं आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? बिल्कुल नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ, sudo apt update, ठीक है। ये कमांड भाई सिर्फ लिनक्स के अंदर ही चल रहा होगा, है ना। तो इंटर कर देते हैं यहाँ पे काली का पासवर्ड, काली, और इंटर जैसे ही मैं करूँगा आपको यहाँ पे काले लिनक्स अपडेट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काले लिनक्स हमारा बहुत ही अच्छे से अपडेट हो रहा है, ठीक है। चलो अभी इतना तो हो गया, हमें काले लिनक्स का ये जो टर्मिनल वगैरह था ये मिल गया, चलो इतना सब आसान है, ये तो सब ठीक हो गया। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बंद कर दिया। चलो तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको ये टर्मिनल दोबारा से खोलना हो, ठीक है, आपने अभी काले लिनक्स बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर दिया, अभी ये टर्मिनल अगर आपको दोबारा चाहिए, या फिर आप लोगों ने जब काले लिनक्स या फिर कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा, वहाँ पे देखा होगा कि कहीं पे भी लिटरली वो लोग कहीं पे भी राइट क्लिक कर देते थे और वहीं से टर्मिनल खोल देते थे, ठीक है। मतलब उस टर्मिनल के अंदर उस जगह का पाथ आ जाता था, वैसा ही काम आप सेम विंडोज़ के अंदर कर सकते हो, और किसी भी स्पेसिफिक जगह पे कोई भी काले लिनक्स का टूल डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही कमाल की चीज़ है, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ये दिखाऊंगा भी करके, बट अभी मैं किसी भी फोल्डर के अंदर जो काले लिनक्स का टर्मिनल है कैसे खोला जाए वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी सपोज करते हैं कि हमें इस न्यू फोल्डर के अंदर वो काले लिनक्स का टर्मिनल खोलना है, तो कैसे खोलेंगे, सिंपल से आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, राइट साइड वाला जो शिफ्ट है ना आपके कीबोर्ड के अंदर उसको दबा लेना और दबाए रखना है, ठीक है। चलो शिफ्ट दबाना है और राइट क्लिक करना है, जैसे ही आप लोगों ने राइट क्लिक किया ना, राइट क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख करके आएगा ओपन लिनक्स शेल हियर, ठीक है, आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बोम बाम बहुत ही अच्छे से काले लिनक्स का पूरा शेल। और वो कहाँ पे खुला है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत लिनक्स पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा कि ये लोकेशन कौन सी है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ इसी टाइप का एक लिनक्स का शेल क्या डेस्कटॉप पे खोल सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल राइट क्लिक से कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे शिफ्ट को दबाना ही पड़ेगा। ध्यान से देख लो, शिफ्ट दबाया, राइट क्लिक किया, ओपन लिनक्स शेल, और बूम बाम, यहाँ पे ध्यान से देखो
हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर आ गए, और क्या यहाँ पे मैं लिनक्स के कमांड चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकता हूँ। अगर मैं ls कर दूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे फोल्डर के अंदर जो तीन झाम था वो सब बाहर आ गया है। ठीक, आई होप सो कि आपको मेरी ये फ्रेंडली लैंग्वेज में जो मैंने आपको WSL इंस्टॉल करना सिखाया, सुन के मज़ा आया होगा और वीडियो देख करके भी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरी जो WSL की प्लेलिस्ट है उसको चेक करना मत भूलिएगा। आज से मैं उसके ऊपर डेली एक दो वीडियोस अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको WSL का डीप डाउन जो नॉलेज है ना वो मैं दे सकूँ। ठीक, और जिन लोगों का भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाए उन्हें क्या करना है, सिंपल से एक कमेंट कर देना है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से WSL इंस्टॉल कर लिया है। आपको क्या लिखना है? WSL और एक लाल कलर का दिल। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।